अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका आसिम कदीर कवाल और दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अपने घरों में, अपने अपनी फैमिली में सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे और अपने बच्चों में आबाद रहें आप। तो ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में मुसीबत का एक वक्त आया है जो कोरोना वायरस के हवाले से परेशानी बनी हुई है, सारी कौम सारा मुल्क इस वक्त परेशानी के आलम में है, उसके लिए भी दुआ गो हूं। अल्लाह पाक बुजुर्गाने दीन और पैतन पाक का सदका, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका, अल्लाह हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमाए और इस मुसीबत को हमारे मुल्क से ख़त्म करे, इस परेशानी को ख़त्म करे अल्लाह और इस कोरोना वायरस से हम सबको महफूज रखे। तो उसी हवाले से मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े अच्छे नात गो शायर हैं, कलाम लिखते हैं वो, माशाल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हमदिया कलाम लिखते हैं। तो तबस्सम कादरी साहब फैसलाबाद से, उन्होंने एक दुआ लिखी है अल्लाह की बारगाह में, अल्फाज उन्होंने लिखे हैं, तो वो अल्फाज जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दुआ है, इसको सुनिएगा भी, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो अल्फाज हैं, बड़े अच्छे अल्फाज लिखे हैं उन्होंने, इसको जहां जहां दुआया अल्फाज आ रहे हैं वहां वहां आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने आमीन जरूर कहना है। सो समाज फरमाइएगा और दुआओं में अपनी दुआ के साथ साथ जहां जहां दुआ के अल्फाज आएंगे वहां वहां आमीन के कमेंट कीजिएगा। पेशे खिदमत है। बेकस है नातवां है, बेकस है नातवां है, करम जुल जलाल कर, बेकस है नातवां है, करम जुल जलाल कर, बेकस है नातवां है, करम जुल जलाल कर, सब रौन के जहान की, सब रौन के जहान की फिर से बहाल कर, बेकस है नातवां है, करम जुल जलाल कर, बेकस है नातवां। सब कर दिए हैं कैद करोना के खौफ ने, सब कर दिए हैं कैद करोना इंसान
انسانیت پہ مولا، انسانیت پہ مولا تو رحمت کی ڈال کر، انسانیت پہ مولا تو رحمت کی ڈال کر، سب رونقیں جہان کی، سب رونقیں جہان کی پھر سے بحال کر، بے کس ہیں ناتواں، لائق نہیں ہے مولا کسی امتحان کے، لائق نہیں ہے مولا کسی امتحان کے، غم دور ہم سے کر دے، غم دور ہم سے کر دے تو پھر سے نحال کر، غم دور ہم سے کر دے تو پھر سے نحال کر، سب رونقیں جہان کی، سب رونقیں جہان کی پھر سے بحال کر، بے کس ہیں ناتواں، صدقے میں مصطفیٰ کے تبسم کی ہے دعا، صدقے میں مصطفیٰ کے تبسم آدم کی ساری نسل کو، آدم کی ساری نسل کو آسودہ حال کر، آدم کی ساری نسل کو آسودہ حال کر، سب رونقیں جہان کی، سب رونقیں جہان کی پھر سے بحال کر، بے کس ہیں ناتواں ہے کرم ذوالجلال کر، بے کس ہے ناتواں. یہ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور آپ سب لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ دعائیہ الفاظ ہیں بس ان کے لیے آمین، جہاں جہاں شعر میں دعائیہ الفاظ آ رہے ہیں وہاں پر آپ نے آمین کہنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ ہم اس مشکل سے نکلنے میں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم.